नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल GS नगरी पे आपका। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है 11 में हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, 11 में के हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब हमारे इतिहास की वो घटनाएँ जो आज के दिन घटित हुई थी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, या मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं या आप उसकी पकड़ नहीं रखते हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को देख देख के थोड़ा सा इंग्लिश को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम क्रैक करके एक ऑफिसर बन जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की ज़रूरत हिंदी से कहीं ज़्यादा महसूस होगी, या फिर आपको दोनों भाषाएँ आनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा ऑफिसर होने के नाते आपको दोनों भाषाएँ आनी चाहिए। चलिए फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहली जो घटना मैं लेके आई हूँ 11 मई 1998 में, ये घटना हमारे आज से भी ताल्लुक़ रखती है, हमारे वर्तमान से भी ताल्लुक़ रखती है। वो कैसे, मैं आपको इसको बताती हूँ। ऑन 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड, मतलब आज 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। देखा, मैंने कहा था कि 1998 की घटना से हमारा आज वर्तमान में भी ताल्लुक है। वो है कि इस दिन की वजह से, इस साल की वजह से, 11 मई 1998 की वजह से हर साल हम 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति ऑफ 1998 एंड ऑल्सो इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं आपको। यह परमाणु परीक्षण की सालगिरह के तौर पर 11 मई का दिन मनाया जाता है, और साथ ही साथ में यह परीक्षण कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था पोखरण में। ठीक है, तो इसको हम ये बोलते हैं कि ये पोखरण परमाणु परीक्षण है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें शक्ति, इसको, इसके ऑपरेशन का जो नाम था, जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये कब किया गया था, 1998 में। एंड ऑल्सो इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे अपने भारत के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जो प्रगति आई है, उसको, उसके जश्न को मनाने के लिए आज का दिन यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज इट रिमाइंड्स इंडियन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। मैंने बताया ये हर साल क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम भारत की प्रगति विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हुई है। पिछले कई सालों से भारत ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है अपने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में, तो उसका जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन होता है। कौन से दिन का आयोजन होता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का। ऑन दिस डे इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड शक्ति वन, आज के दिन भारत ने सफल परीक्षण किया था शक्ति वन का। ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल एंड इंडियन आर्मी पोखरण रेंज, जो भारतीय सेना पोखरण रेंज पे तैनात थी, वहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया था। उसका ऑपरेशन का क्या नाम था, उसके ऑपरेशन का नाम था शक्ति वन। ठीक है, अब मैंने इसको क्लियर कर दिया, आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें हमारे क्या लिखा है। दिस पोखरण रेंज इज सिचुएटेड इन राजस्थान, ये जो पोखरण जहाँ पे परमाणु परीक्षण किया गया था भारतीय सेना के, उस साइट पे, वो स्थित है राजस्थान में। ठीक है, दिस पोखरण टेस्ट वर अ सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट एक्सप्लोजन्स कंडक्टेड बाय इंडिया। ये पोखरण टेस्ट जो हुआ था, जो न्यूक्लियर परमाणु बम परीक्षण हुआ था, उसमें 5 न्यूक्लियर बॉम्ब थे जिनका परीक्षण किया गया था, जिसको भारत ने किया था। ठीक है, मतलब 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोट किए गए थे। किस चीज़ में, मतलब पोखरण न्यूक्लियर साइट पे। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस पोखरण टेस्ट वर द सेकेंड इंस्टेंस ऑफ टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंडिया। द फर्स्ट टेस्ट कोड नेम्ड स्माइलिंग बुद्धा वॉज कंडक्टेड इन मई 1974। ये जो पोखरण परमाणु परीक्षण था, वो दूसरी बार किया गया था। इसके पहले भी भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये याद कर लीजिए, ये बहुत 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 और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मैंने कई एग्जाम्स के क्वेश्चन में देखा है। जब मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन ढूंढ रही थी, तो उसमें ये था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया कि जो पहला भारत का परमाणु परीक्षण बम था, उसका ऑपरेशन का नाम क्या था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और ये कब किया गया था, ये किया गया था मई 1974 में। ठीक है, और दूसरा परीक्षण कब किया गया, अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए 1998 में। ठीक है, जिसका नाम था शक्ति वन, कहाँ पे किया गया था, पोखरण में। और पोखरण कहाँ पर है, पोखरण स्थित है राजस्थान में। ठीक है, और पहला जो था, वो उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और ये कब किया गया, मई 1974 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
दूसरी जो घटना है वो है 11 मई 1784 में, ठीक है। जो पहली घटना थी वो बाद में आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसको पहले इंक्लूड कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी और आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी था, तो इसके उपलक्ष्य में मैंने इसको ध्यान में रखते हुए इसको सबसे पहले लगाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दूसरी घटना जो है वो है 11 मई 1784 यानी 11 मई 1784। ऑन दिस डे इन द ईयर 1784 ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान। आज के दिन एक संधि हुई थी ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में कई सालों तक राज किया, और टीपू सुल्तान के बीच में। कौन से सन में हुई थी? 1784 में। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये ट्रीटी का नाम क्या था और इसको मतलब इस संधि को हस्ताक्षर करने की संधि पर उसकी वजह क्या थी। द नेम ऑफ द ट्रीटी इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, यानी मैंगलोर पे संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। इट वॉज साइंड इन मैंगलोर। इसको मैंगलोर की संधि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पे जो हस्ताक्षर किए गए थे वो कौन सी जगह पर किए गए थे? मैंगलोर में, ठीक है। और एंड इट ब्रॉट एन एंड टू एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। जो एंग्लो मैसूर युद्ध चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए एक संधि हुई थी किसके किसके बीच में? टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जिससे एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुए थे। इस संधि को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर यानी मैंगलोर की संधि। दिस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू ओवर मैसूर। अच्छा, ये जो दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर था जिसके लिए ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी, ये क्यों साइन हुई थी, मतलब ये एंग्लो मैसूर वॉर क्या था? ये लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, किस लिए? मैसूर के ऊपर, ठीक है। जो मैसूर है उसके ऊपर दोनों की लड़ाई हो रही थी, दोनों को अपना अपना आधिपत्य चाहिए था इसलिए वो दोनों लड़ रहे थे आपस में, लेकिन कोई भी जीत नहीं पा रहा था, तो उनके बीच में एक संधि साइन हुई जिसका नाम था मैंगलोर की संधि, जिसको इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहा जाता है, जिसकी वजह से एंग्लो मैसूर वॉर जो थे वो ख़त्म हो गए। आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है दिस कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेल्ड फ्रॉम 780 टू 1780 टू 1784, ठीक है। 1780 टू 1784 ये युद्ध जो है एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब से कब तक चला? 1780 से लेकर के 1784 तक, ठीक है। कौन सा वॉर? एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। एंग्लो मैसूर युद्ध, जिसके बाद में 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर यानी मैंगलोर की संधि साइन हुई, किन के बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द वॉर विद द ब्रिटिश ब्रोक आउट व्हेन हैदर अली द रूलर ऑफ मैसूर लेड हिज मैन टू कर्नाटिक रीजन एंड डिस्ट्रॉयड स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ब्रिटिश विल्लोर एंड मद्रास। ये एंग्लो वॉर जो हुआ, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब स्टार्ट हुआ? जब टीपू सुल्तान के पिता, जिनका नाम हैदर अली था, ठीक है, ये राजा थे मैसूर के, ये अपने सैनिकों के साथ में कर्नाटिक रीजन में गए और इन्होंने ब्रिटिश वहाँ पे वेल्लोर और मद्रास में जो रूल कर रहे थे वहाँ पे इन्होंने मारना शुरू कर दिया ब्रिटिश के सैनिकों को, तो इससे युद्ध आरंभ हो गया ब्रिटिशर्स में और हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी थे। टीपू सुल्तान वॉज अ सन ऑफ हैदर अली एंड डिफीटेड ब्रिटिश मेनी टाइम्स, दस वेन नीदर साइड कुड विन दिस ट्रीटी वॉज साइंड। हैदर अली की मृत्यु हो गई, उसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बन गए। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को कई बार धूल चटाई, लेकिन उसके बाद ये युद्ध होता ही जा रहा था, होता ही जा रहा था, धीरे धीरे सारे संसाधन ब्रिटिशर्स के और टीपू सुल्तान के भी ख़त्म होते जा रहे थे, लेकिन युद्ध ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए दोनों ने एक संधि साइन की, संधि पे हस्ताक्षर किए, जिस संधि का नाम था मैंगलोर संधि, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है तीसरी घटना। तीसरी घटना है 11 मई 1951 की, ठीक है, 11 मई 1951 में। द रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनॉग्रेटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल। जो राष्ट्रपति थे हमारे, एक्स राष्ट्रपति, पुराने थे, कौन थे, जिनको हम सभी जानते हैं, वो हम सबके बहुत चहेते थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जो सोमनाथ मंदिर है, जो शिव जी का मंदिर है, जो बहुत फेमस है, जहाँ पे सब दर्शन के लिए जाते हैं, उसका उद्घाटन किया था,
ठीक है, अब देखते हैं इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या था, मतलब इनका कार्यकाल क्या था राष्ट्रपति के तौर पे, 1950 से लेकर के 1962, ठीक है। इन्होंने एक राष्ट्रपति की तरह कब से कब तक अपनी सेवा दी, 1950 से लेकर के 1962 तक। ही ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वॉज अ मेजर लीडर फ्रॉम बिहार। इन्होंने भारतीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और बिहार से ये बहुत ही ज़्यादा बड़े नेता थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ 3 दिसंबर 1884 में, कहाँ पर, जीरादेई में, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार इसमें ज़रूरी क्या क्या है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ टेम्पल इनाग्रेट किया सन 1951 में। इनका टर्म ऑफ ऑफिस, इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर के 1962। ये बिहार के बहुत बड़े नेता थे। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 में, जीरादेई में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ही डाइड ऑन 28 जनवरी 1963, ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई 28 जनवरी 1963 में, ठीक है। ही रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड, इनको भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा गया, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई 28 जनवरी 1963 में और इनको अपने पूरे जीवन काल में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अब आगे बात करते हैं उस टेम्पल की जिसको इन्होंने इनॉग्रेट किया था, जिसका नाम था सोमनाथ टेम्पल। ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है प्रभास पाटन में। कहाँ पर है ये, जूनागढ़ में, ठीक है। इन सौराष्ट्र ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट के जूनागढ़ के पास सौराष्ट्र में प्रभास पाटन में स्थित है ये सोमनाथ टेम्पल। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं सोमनाथ टेम्पल की है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है प्रभास पाटन में जो जूनागढ़ के पास है सौराष्ट्र में, और जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात के पास में है, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए, मैंने इसको क्लियर कर दिया। इसमें जो ज़रूरी है वो है इनकी मृत्यु कब हुई, इनको कौन सा अवार्ड मिला, और सोमनाथ टेम्पल की लोकेशन क्या है, ठीक है। और ये डायग्राम देख लीजिए, ये है सोमनाथ टेम्पल, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे इसलिए मैंने पिक्चर भी लगा दी सोमनाथ टेम्पल की। अब आगे देखते हैं चौथी घटना। चौथी घटना है 11 मई 1956, यानी 11 मई 1956। इन 1956 गोल्ड कोस्ट बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नेंस, बट घाना बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 6 मार्च 1957, ठीक है। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इन 1956 सन 1956 में गोल्ड कोस्ट, जिसको अब हम घाना के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम गोल्ड कोस्ट था, कब, 1956 में, बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नेंस, वहाँ पे ब्रिटिश शासन का राज था। उन्होंने 11 मई 1956 में ये घोषणा की कि वो जल्द ही घाना को उसकी स्वतंत्रता वापस कर देंगे, ठीक है। और उन्होंने उनकी स्वतंत्रता उनको वापस की कब, 6 मार्च 1957 को, ठीक है। 1956 में इन्होंने डिसाइड किया था, ठीक है, इन्होंने छोड़ा नहीं था, इन्होंने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था कि हम इनको अगले साल 6 मार्च 1957 में इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता दे देंगे, ठीक है। ऑन 11 मई 1956 ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिक्लेयर घाना एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। 11 मई 1956 मैंने अभी आपको बताया, 11 मई 1956 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा खुद में डिसाइड किया कि वो घाना को जल्दी एक स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे, और उन्होंने इसको घोषित कब किया, 6 मार्च 1957 में, ठीक है। आगे देखते हैं हमारी अगली करेंट, सॉरी इतिहास की जो घटना है वो फिफ्थ है, 11 मई 1912 में, ठीक है। 11 मई 1912 में शहादत हसन मंटो, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लेखक थे, और ये उर्दू में लिखते थे, और उर्दू में लिखते थे, हिंदी में लिखते थे, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं वो उर्दू में की हैं। इनकी जन्म हुई थी, ठीक है, 11 मई 1912 में, कहाँ पे, समराला में। शहादत हसन मंटो इनकी, हमने बहुत नाम भी सुना है इनका, हम लोग कई कहानियाँ बच्चे पढ़ते हैं, जब हम छोटे थे तब पढ़ते थे, वो इनके द्वारा लिखी गई हैं, शहादत हसन मंटो, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 11 मई 1912 को समराला में। ये एक पाकिस्तानी राइटर थे, क्योंकि जब उस वक्त जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो ये पाकिस्तान चले गए थे, और ये समराला है कहाँ पर, ये लुधियाना में है, ठीक है। तब ये ब्रिटिश इंडिया था, यहाँ पर ब्रिटिश का राज था, भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, ठीक है। तब इनका जन्म लुधियाना में हुआ था, कब हुआ था, 11 मई 1912 में, समराला हरियाणा में,
ठीक है। और उसके बाद जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान चले गए। ही रोट मैनी इन उर्दू एंड प्रोड्यूस 22 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी 22 कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। एक नावल लिखी है, 5 सीरीज ऑफ रेडियो प्लेस, रेडियो के प्लेस भी लिखे हैं, जो रेडियो पे नाटक आते थे वो भी लिखे हैं, लेकिन ये मेनली जो है ये उर्दू में लिखते थे। इनकी जो लिखावट की भाषा थी वो उर्दू थी। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? समराला, लुधियाना, जो कि पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, तब विभाजन नहीं हुआ था भारत का। और इनका नाम क्या था? शहादत हसन मंटो। ठीक है, अब आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। छठी घटना जो हुई है वो है 11 मई 1965 में, ठीक है। 11 मई 1965 में, ऑन दिस डे इन द ईयर 1965, बांग्लादेश गॉट स्ट्रक विद डिवास्टेटिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन विच लेड टू द डेथ ऑफ मोर देन 17,000 पीपल। ठीक है, बांग्लादेश में 11 मई 1965 में एक विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया था। ठीक है, क्या? विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया था जिससे 17,000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हो गई थी। बांग्लादेश रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ओन सैटेलाइट इन 2018। देखिए, जो इतिहास की घटना थी वो सिर्फ इतनी थी, बाकी मैंने आपका जीके के लिए इंक्लूड कर दिया है कि ये सब चीज़ें भी आपको जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें भी आपको रिवाइज हो जाएंगी, तो इससे आपको आसानी रहेगी। ठीक है, बांग्लादेश ने अपनी पहली जो उपग्रह अपना लॉन्च किया है वो अभी भी, जो नया अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है वो है 2018 में। ठीक है, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि प्रधानमंत्री, उनका नाम है शेख हसीना। इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। ठीक है, फिर से बताती हूँ एक बार, इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ये है कि 1965 में विनाशकारी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया था जिसमें 17,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश ने अभी अभी अपनी एक उपग्रह भेजी है स्पेस में। ठीक है, कौन से सन में? सन 2018 में। ठीक है, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना, मतलब प्रधानमंत्री, और ये जो इसकी कैपिटल है इसका नाम है ढाका। ठीक है, राजधानी जो है उसका नाम है ढाका। आगे देखते हैं, इसके बारे में मैंने और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि बांग्लादेश की करेंसी कौन सी यूज़ होती है वहाँ पे, उसका नाम है टका। ठीक है, जिसको पूरा नाम अगर बोला जाए तो बांग्लादेशी टका, लेकिन ज़्यादातर उसको टका ही बोला जाता है। ठीक है, अब आप अपने एग्ज़ाम में देख लीजिए, अगर बांग्लादेशी टका आएगा तो आपको वो टिक करना पड़ेगा, और अगर टाका आया तो आपको वो टिक करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी है, बांग्लादेश इज स्पेशली वल्नरेबल टू साइक्लोन्स बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन एट द ट्रायंगुलर शेप्ड हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल। बांग्लादेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पे बहुत चक्रवात आते रहते हैं, क्योंकि इसका जो सिर है वो बंगाल की खाड़ी में त्रिकोणीय आकार का है, और बंगाल की खाड़ी में जब भी तूफान उठते हैं या चक्रवात उठते हैं तो बांग्लादेश में आते रहते हैं। तो यहाँ पर कई सारे विनाशकारी चक्रवात आए हैं, लेकिन जो आज के दिन आया था वो मैंने आपको बता दिया। इस जो आज के दिन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आया था उसमें 17,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इतिहास में प्रचलित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सातवीं घटना वो है 11 मई 1985 में। ठीक है, 11 मई 1985, 11 मई 1985 में आज के दिन ब्रैडफोर्ड स्टेडियम फायर, एक सेकेंड, हाँ, ब्रैडफोर्ड फायर स्टेडियम अकर ड्यूरिंग एन इंग्लिश लीग थर्ड डिवीजन मैच बिटवीन ब्रैडफोर्ड सिटी एंड लिंकन सिटी। आज के दिन सन 1985 में ब्रैडफोर्ड स्टेडियम है एक, ठीक है, ब्रैडफोर्ड स्टेडियम है, वहाँ पे आग लग गई थी जब वहाँ पर मैच चल रहा था, थर्ड डिवीजन तीसरा मैच चल रहा था इंग्लिश लीग का। उसमें कौन कौन से दो सिटी थे जिनके बीच में चल रहा था? ब्रैडफोर्ड सिटी एंड लिंकन सिटी। ठीक है, तो वहाँ पर आग लग गई थी जिसमें 56 स्पेक्टेटर्स वहीं के वहीं पे अपनी जान गंवा चुके थे, और बहुतों की जान खतरे में पड़ गई थी, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस आग की चपेट में आ गए थे। तो इसमें ज़रूरी बस इतना है कि कौन से स्टेडियम में आग लगी थी, वो थी ब्रैडफोर्ड स्टेडियम में। ठीक है, जब वहाँ पर इंग्लिश लीग चल रही थी थर्ड डिवीज़न की, कौन कौन, ये नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ब्रैडफोर्ड सिटी एंड लिंकन सिटी के बीच में चल रही थी, बस इतना है कि 11 मई 1985 में ब्रैडफोर्ड स्टेडियम में आग लग गई थी जब वहाँ पर एक मैच चल रहा था, इंग्लिश लीग थर्ड डिवीज़न मैच। ठीक है, अब आपको आगे दिखाते हैं, आठवीं घटना, 11 मई सन 2000 में। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है, और
ये इसलिए भी इसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी अभी एक वीडियो आपका पड़ा हुआ है उस पर कि सेंसस ऑफ इंडिया, अब वहाँ पर जाकर इसके बारे में और सारी डिटेल्स ले सकते हैं जो सुमित सर ने डाली है उसमें जा कर के, ठीक है। तो इस पर मैंने इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझी, बट 11 मई सन 2000 में भारत का जो जनसंख्या का आंकड़ा था वो 1 अरब पहुंच गया था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी किसकी डिटेल्स आप उस वीडियो में जाके ले सकते हैं जो सुमित सर ने डाली थी, ठीक है। तो बस इतना ही है इतिहास में आज के दिन का, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको इस वाली वीडियो की PDF चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपका दिन मंगल हो।